गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम जीनी एंड आई एम जूजू एंड वी आर बैक योर मैथ्स क्लास आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसका मतलब होता है जब हम लोग नंबर्स को छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक अरेंज करते हैं और वो थे आपके टेक्स्ट बुक में इन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री नाउ वी आर गोइंग टू रीड डिक्रीजिंग ऑर्डर इन पेज नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ योर टेक्स्ट बुक हियर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब आप नंबर्स को बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर तक अरेंज करते हैं आज हम एक्टिविटी करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है जब हम बड़े नंबर्स को पहले लगाएंगे और छोटे नंबर्स को बाद में लगाएंगे ओके सो अस फाइंड आउट विच नंबर इज बिगर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कौन सा है सबसे बड़ा नंबर टू है फाइव है सेवन है है और नाइन है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़ा नंबर है नाइन सो वी विल टेक नाइन एंड पुट एट ओके हमने नाइन को सबसे पहले लगा दिया अब बाकी बचे हुए नंबर्स में से हम लोग ढूंढेंगे नाइन से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है नाइन से छोटा पर बाकी सारे नंबर से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर था जो था टू और उससे जस्ट बड़ा नंबर रखा था जो टू से बड़ा हो पर बाकी नंबर से छोटा हो और यहाँ हम ढूंढेंगे नाइन नाइन के बाद वाला नंबर जो बाकी नंबर से बड़ा हो पर नाइन से छोटा हो ओके सो हियर इज टू फाइव सेवन फोर विच नंबर इज स्मॉलर देन नाइन जस्ट स्मॉलर देन नाइन दिस इज सेवेन सो वी विल पिक सेवन एंड पुट आफ्टर नाइन हमने यहाँ पे दो नंबर्स लगा दिए पहला है नाइन और दूसरा है सेवन Nine सबसे बड़ा नंबर है और सेवन नाइन से जस्ट छोटा नंबर है पर बाकी नंबर से बड़ा है समझ आ रहा है आप लोगों को अब हमें नंबर ढूंढना है जो सेवन से छोटा हो पर बाकी नंबर से बड़ा हो सबसे उससे बड़ा सेवन से छोटा और बाकी नंबर से बड़ा कौन सा नंबर है टू है फाइव है और फोर है तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा सो वी विल पिक एंड पुट आफ्टर तो हमने यहाँ पे थ्री नंबर्स अरेंज कर दिए नाइन सेवन एंड फाइव अब हमें अरेंज करना है फाइव से छोटा नंबर पर जो बचे हुआ बचे हुए नंबर्स हैं उनसे बड़ा नंबर बचे हुए नंबर्स कौन से हैं टू और फोर तो बड़ा कौन सा है इसमें से बड़ा है फोर सो वी विल पिक एंड कीप आफ्टर फाइव ओके एंड वी हैव केप्ट फोर आफ्टर फाइव एंड दी स्मॉलेस्ट इज टू सो नाइन सेवन फाइव फोर टू यहाँ पे हमने अरेंज किए हैं नंबर्स बड़े से छोटे सीक्वेंस में बड़ा नंबर सबसे पहले उससे छोटा नंबर उससे छोटा नंबर उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा हेलो स्टूडेंट योर मुस्कान मेस आई होप यू हैव एंजॉयड विद योर फ्रेंड्स चीनी एंड जूजू आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक दे हैव एक्सप्लेन first put today's date here make a slanting line write 03 slanting line 12 slanting line 20 03 is the date 02 is the uh, 1 2 is the month 12 is the month and 20 is the year okay now moving to towards the topic which is decreasing order write it down D E C R E A S I N G decreasing O D E R order leave this line leave this line or mark it one here write down one and write the questions solve it and send it to me okay question first question is 12 16 ट You have to arrange them. Like, uh, I am solving one for you. Which one is the bigger, biggest number here? Sixteen, right? Sixteen सबसे बड़ा है ना तो we will write sixteen first. Then sixteen से जस्ट छोटा नंबर Sixteen से छोटा पर बाकी सारे numbers से बड़ा तो ऐसा है ट्वेल्व We विल राइट ट्वेल्व कॉमा ट्वेल्थ से जस्ट छोटा नंबर पर बाकी दो तो नंबर से बड़ा विल राइट टेन देन नाइन एंड फोर ओके लाइक दिस यू हैव टू अरेन्ज सबसे बड़ा नंबर पहले और उससे छोटा छोटा नंबर बाद में ओके राइट ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्सटीन एटीन And 9. Okay. Write like this. You have to arrange this one. Question number 3. I hope it is visible to you all. Now, the numbers are 4, 8, 6, 10, 2. You have to arrange them now the fourth one Six, uh, eleven, fourteen, eighteen, four. okay now the fifth one is 16 14, 20, 22, and 2 ओके आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल प्लीज पेरेंट्स इफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए मुझे बताइए कि बच्चे नहीं समझ रहे हैं आई आईल एक्सप्लेन देम वंस अगेन प्लीज लेट मी नो ओके एंड केट्स सॉल्व बाय योर एंड सेंड इट टू मी ओके बाय